इस क्वेश्चन में कह रहा है एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था, और कह रहा है कि 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़कर चले गए, बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा। तो अब आप ये देखिए कि वो जो भोजन कर चुके हैं वो 150 सैनिक थे और 50 दिन तक का भोजन प्रावधान उन्होंने रखा था, लेकिन 20 दिन बाद गए हैं ना, तो 20 दिन तक का तो हम निकाल ही दें। यानी हम कहेंगे कि भाई जो सैनिक हैं, सोल्जर लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारे 150 सोल्जर्स हैं, 20 दिन बाद काम होना है, तो मतलब हम क्या कहेंगे, 30 दिन की सामग्री थी, हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं कि मतलब उन्होंने क्या किया, 20 दिन तक काम अपना कर लिया जो भी करना था, अब बचा हुआ 30 दिन की सामग्री थी उनके पास, हमने ऐसा बोल दिया। अब कह रहा है कि 50 लोग चले जाते हैं, तो 50 लोग चले जाएंगे तो बचेंगे कितने, 100, और यहां से दिन कितने होंगे, अब हमें ये निकालना है। तो आप देख लीजिए इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा यक्ष के साथ में, तो यहां से 00 कट होंगे, ये इसको इसके साथ गुणा कराएंगे तो देख लीजिए जरा आपका आएगा 45। तो 45 दिन आपका फाइनली आंसर निकल के आएगा। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 21 जिल्द छात्र जो है वो 14 पुस्तकों को 15 दिन में तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कुछ व्यक्ति हैं, 21 व्यक्ति हैं, वो 1400 पुस्तकों को, मतलब ये क्या है, हमारा काम दे दिया गया। तो वर्ग देने पे हम क्या करते हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे मैन और यहाँ पे डेज और यहाँ पे वर्ग। तो उसने कहा कि 21 लोग थे, 15 दिन में काम पूरा किया, और काम क्या किया, 1400 पुस्तकों का काम किया। अब इसके बाद कह रहा है कि कितने दिन साथ, इसके बाद उसने कहा कि 800 पुस्तकों को 20 दिन में पूरा करेंगे। तो अब जो टाइम लग रहा है वो 20 दिन का है और 800 पुस्तकें हैं, कह रहा है कि कितने दिन साल होंगे। तो यहां से हम निकालेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें वर्क दे दिया गया, तो फिर से वही प्रक्रिया, जब भी वर्क दिया जाएगा तो आप इस तरह से करेंगे इसको इसके साथ। तो आप जरा देखिए 21 × 15 और ये 800, यहां पे यक्ष × 20 और × 1400, 00 से ये 00 कटती है। इसके बाद आप देख पा रहे हो अगर हम इसको 7 से कट करें तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, इसके बाद इसको 4 से कट करें तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये 2 इस 2 से खत्म। तो अब आप देख पा रहे हो कि 5 से अगर हम ये 5 यहाँ पे कट करें तो आ जाएगा 3, तो इसका मतलब ये कितना आ गया, 3×3 = 9। तो यक्ष की वैल्यू जो आ गई, यानी जिल्द साथ जो होंगे वो इतने दिन पूरे करने के लिए हमें 9 लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो हम कहेंगे इस तरह से हमारा जो आंसर निकल के आया वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे, कह रहा है कि यहाँ पे 60 व्यक्ति जो हैं वो 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल का उपभोग करते हैं, मतलब वो 60 व्यक्ति 14 दिन में इतना चावल प्रयोग में लाते हैं। तो हम कहें कि यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या, दिन, और ये हमारा कार्य, जितना भी देखिए आपको जो काम दिया जाए, जैसे हम कहें कि 1400 पुस्तकें बनानी है तो ये आपका कार्य हो गया, और यहाँ पे हम इसको वर्ग भी बोल सकते हैं, वेट भी बोल सकते हैं, या हम कहें कि यहाँ पे जो हमें दिया गया है 280, ये हम वर्ग में ही रखेंगे, तो 280 किलोग्राम। और टाइम कितना लगता है, वो कह रहा है 14 दिन का टाइम लगता है, टोटल व्यक्ति कितने थे, 60 व्यक्ति थे। अब उसने आगे बढ़ के ये कहा कि 30 व्यक्ति कितने दिन में 120 किलोग्राम, तो 120 किलोग्राम की बात कर रहा है, कितने दिन में कितने व्यक्ति, 30 व्यक्ति। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे वर्ग दिया गया है, तो हम फिर से वही करेंगे, इसका इसके साथ फिर इसको और इसका इसके साथ फिर इसको लेके चलेंगे साथ में। तो हम ये गुणा ये लिखेंगे, मतलब 60 × 14 × 120 और यहां से 30 × x × 280। अब आप देखिए तो जरा यहां से क्या क्या चीजें कट रही हैं,
तो 30 से इसको कट करें तो दो बार में कट हो जाएगा। यहां पे आप देख रहे हो कि 7 से इसको कट करें तो 2 टाइम्स और यहां पे 4 टाइम्स, तो ये जीरो भी कट कर दें तो यहां जीरो बढ़ जाएगा। अब आप देखिए ये अगर हम इसको इससे कट करें तो यहां पे 3 आ जाएगा। तो अब आप देख पा रहे हो कि 2 दूनी 4 टाइम 12, तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि अब इनको जो टाइम लगेगा वो 12 दिन का समय लगेगा। तो इस तरह से जो आपका आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में कहा है कि यदि 12 पढ़ी प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में इतनी कुर्सियां बनाते हैं, 460 कुर्सियां बनाते हैं, तो अब आप यहां पे देखिए उसने ये कहा है कि वो काम तो रोज करते हैं लेकिन एक दिन में 6 घंटे ही कार्य करते हैं, 24 दिन तक काम करेंगे तो कितने घंटे निकल के आएंगे, ये हमारा टाइम होगा। तो कुछ बड़े ही हैं, उनका टाइम है और उनका वर्क है। तो हमने कहा कि भाई अब 12 बड़े ही हैं और वो 6 घंटे 24 दिन तक काम करते हैं, तो ये टोटल टाइम हो गया हमारा। और कितना काम करके पूरा कुर्सियां कितनी बनाते हैं, वो 460 कुर्सियां बना रहे हैं। अब कह रहा है कि 18 बढ़े 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन तक कार्य करते हैं, तो 8 घंटे प्रतिदिन और 36 दिन तक ऐसा चलता है। तो कह रहा है कि अब वो कितनी कुर्सियां बनाएंगे, तो उसने पूछ रखा है कि अब टोटल कुर्सियां जो होंगी वो कितनी होंगी। तो आप देखिए इसका गुणा इसके साथ, ये इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ और ये इसके साथ, तो आप गुणा कराइए होगा 12 गुणा 24 और गुणा 6 और ये इंटू एक्स, और यहां आप देखोगे तो आएगा 18 गुणा 8 गुणा 36 और गुणा में ये 460। तो अब आप देखिए क्या 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 चीजें कट रही हैं। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि 6 से अगर हम इसको कट करें तो ये 3 टाइम्स, और 8 को अगर हम इससे कट करें तो ये 3 टाइम्स, ये 3 इस 3 से खत्म हो गया, 12 से इसको कट करें तो ये 3 टाइम्स कटेगा। अब इसके बाद यहां पे आप देख पा रहे हो कुछ भी नहीं बचा, तो x की वैल्यू बराबर आ जाएगी इसके और इसके गुणा के बराबर। तो यहां से हम कहेंगे 81 और ये इतना, तो 1380 कुर्सियां बनेंगी। तो इस तरह से जो आपका आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि भाई अब जो ये व्यक्ति हैं बढ़ई हैं 18 बढ़ई 8 घंटे 36 दिन तक काम करके जो 1380 कुर्सियां हैं वो बना पाएंगे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 7 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, कह रहा है कि उससे दोगुने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, ये पूछ रहा है हमसे। तो हम कहें कि भाई जो व्यक्ति हैं वो 7 हैं और ये काम कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, 12 दिन में पूरा कर रहे हैं, और इसके बाद हम कहेंगे कि हमारा जो वर्क है वो 1 है, क्योंकि उसने कहा कि जब आप बाद में काम करवा रहे हो 8 दिन में काम समाप्त करना हो तो कितने व्यक्ति अतिरिक्त लगेंगे, मतलब यहां से x हम इसमें जोड़ दें और यहां पे कहें कि दोगुना कार्य कह रहा है तो दोगुना कार्य करवाएं। तो अब आप देखिए इसका गुणा आप इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ और यहां इस तरह से आप गुणा करते चले आ रहे, तो आप क्या करेंगे यहां पे लिखेंगे 7 × 12 और यहां गुणा 2, इसका गुणा इसके साथ तो 7 + x ये कोष्ठक में रहेगा और 8 × 1। तो यहां से आप देखिए कि ये अगर 4 से कट करें तो यहां 3 और यहां पे 2 आएगा, ये 2 इस 2 से खत्म। तो हम देख पा रहे हैं यहां जो आया ये 21 और यहां पे है x + 7। तो अब आप देखिए इसको इधर लाने पे यहां पे आएगा 14 = x के, यानी 14 लोगों की आवश्यकता हमें और पड़ेगी ये काम करवाने के लिए, कब, जब वही काम दोगुना हो जाए और टाइम हम 8 दिनों का लेने लगे, तो 7 व्यक्तियों से बढ़ के 21 में पहुंच जाएगा, मतलब ये होगा कि 14 व्यक्ति हमें और लगेंगे इस काम को करने के लिए। तो इस तरह से जो आपका आंसर सही होगा
वो ऑप्शन नंबर